तो बच्चों आप सब लोगों के साथ इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोग कैसे आप लोगों का चॉइस फिलिंग जो लिस्ट है और चॉइस लिस्ट जो है चॉइस फिलिंग जो लिस्ट है उसको क्रिएट कर सकते हो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आपको याद रखना है अगर आप लोग आपका चॉइस फिलिंग का लिस्ट तैयार करना चाहते हो और जो इस वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा डिस्कशन आपको यूट्यूब में ज्यादा नहीं मिलेगा, आप लोगों को बहुत जगह पे लिस्ट मिल जाएगा, बट एकदम कैसे क्रिएट करना है ये बहुत ही कुछ कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को वो सब कुछ बोलूंगा। शुरू करते बट उससे पहले चैनल पर चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आकाश टीम एजुकेशन विल प्रोवाइड यू ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग WBJEE एज वेल एज आप लोगों को आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज को रखना चाहिए वो भी इस इन वीडियो में कुछ हिंट्स हम लोग जरूर दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिए, थोड़ा लेंदी होगा बिकॉज बहुत सारे पॉइंट को आपको कवर करना है। पहली बात, एक बात आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को देख के अगर आप लोग प्रेडिक्ट करोगे तो मुझे लगता है वो ऑल टाइम पे ठीक नहीं होता है। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप लोग ब्रांच को टारगेट कर रहे हो तो आप लोग को एटलीस्ट लास्ट तीन साल का डाटा को जो है कलेक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 2020-21-22 तीन साल का डाटा को कलेक्ट करके आप लोग 23 का जो है क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट तीन साल का डाटा को एनालिसिस करो, उसके बाद कोई एक समाप्त पे जाओ अगर कोई कॉलेज में आप लोग देख रहे हो कोई ब्रांचेस को। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ अलग विथ और एक इंपॉर्टेंट बात को बोल देना चाहता हूँ कि भैया मेरा रैंक जो है मेरा रैंक 10,000 है। ठीक है, मुझको हेरिटेज में CAC चाहिए, बेसिकली ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपका नहीं होगा। ये आप सपने लगा के बैठे हो कि मेरा रैंक 45,000 है बट मुझे हेरिटेज मिल जाएगा, मुझे टेक्नोमेंट मिल जाएगा, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है वो सपना छोड़ो, रियलिटी में आओ और जानो कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ये चीज़ मैं सब लोगों को बोलता हूँ और सब लोग प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो प्लीज़ रियलिटी में आओ कि कौन सा कॉलेज आपको हो सकता है, आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो आपने चूज किया कि कौन सा कॉलेज मेरा होगा कौन सा कॉलेज मेरा नहीं होगा, अब आपका जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेज आपको मिल रहा है उनमें से कौन सा कॉलेज आपके लिए परफेक्ट है, अब आप लोग उसके अंदर आप लोग चूज कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूंगा कि वेदर अगर आप लोगों का रैंक जितना भी पीछे है ट्राई करो कि जो टॉप नॉच कॉलेजेस है उसको देके स्टार्ट करो। ठीक है, और ऊपर की तरफ ट्राई करो अपने मनपसंद का टॉप कॉलेजेस एज वेल एज अपने मनपसंद का कॉलेजेस को ऊपर की तरफ रखने को। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ ऐसे कॉलेजेस रखो। और हाँ, और एक चीज चॉइस प्लेइंग लिस्ट में मैं आप लोगों को याद करने को दिमाग पर रखने को बोलूंगा कि ऐसा कॉलेजेस नीचे के दिख पे ऐसा कुछ कॉलेजेस को रखो जो आपको 100% मिलेगा। सपोज आपका रैंक 10,000 है, आपको नारूला में CSC 100% मिलेगा, तो जब वो मिलेगा आप जानते हो आपको लेना भी नहीं है, आप नीचे की तरफ रखो भाई, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आपका मनपसंद कॉलेज हेरिटेज टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक IIM फॉलोड बाई HIT नेताजी तक जानते हो, नेताजी के आसपास मेरा आ जाएगा, नेताजी MSIT ये सब मुझे आ जाएगा, बट नारूला रखो 10,000 वाले एज एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक कुछ कॉलेजेस एक नहीं कुछ ऐसा कॉलेजेस को नीचे की तरफ रखो जो श्योर शॉट आपको मिल जाएगा ही जाएगा। इससे क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, कि कॉलेज तो मुझे मिल गया ना फर्स्ट राउंड पे, उसके बाद आपका अपग्रेड होगा, और अपग्रेड जब कैसे होता है, फर्स्ट राउंड पे आपको जो थोड़ी ना आपका 20th जो चॉइस है वो मिला, तो आपको 21st जो चॉइस है वो नहीं मिलेगा सेकेंड राउंड पे, 19 मिल सकते 18 मिल सकते, तो आपको जो चॉइस मिला है उसके ऊपर वाला जो चॉइसेस है वही आपको नेक्स्ट राउंड पे अलॉट होगा, नीचे वाले चॉइसेस जो है वो वैलिड नहीं रहते। ठीक है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ बट ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग पे जरूर रखना चाहिए। तो ट्राई करो कि आप लोग जो है ऊपर की तरफ अपने टॉप कॉलेजेस अलोंग विद आपका जो कॉलेज हो सकता है टॉप नॉच कॉलेजेस अलोंग विद योर ड्रीम कॉलेजेस और जो कॉलेजेस हो सकते हैं उसको ऊपर की तरफ रखो, और नीचे की तरफ ऐसे एटलीस्ट कॉलेज को रखो जो एक दो कॉलेज में आपको जरूर मिल जाए। इससे क्या होता है सीट कंफर्म होकर रखता है, जो नीचे की तरफ रखो और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ अपने मनपसंद कॉलेजेस को रखते जाओ। ठीक है, मनपसंद या रैंक के अकॉर्डिंग जो हो सकता है उसको ऊपर की तरफ रखते जाओ, तो ऐसे करके आप लोग आपका चॉइस लिस्ट जो है क्रिएट कर सकते हो। अब कौन से रैंक पे क्या क्या हो सकते हैं, देखिए मैं बात करूंगा, पहली बात करता हूँ CSC को लेके। ठीक है, देखिए ज्यादा बच्चों को CSIT चाहिए और CSIT को लेके हम लोग ज्यादातर बच्चे को बात करते हैं। ठीक है, तो समझ लो कि आप लोग अगर रैंक आपका 0 से लेके 20,000 तक है तो ऑब्वियसली आपको आपके लिस्ट में हेरिटेज IIM टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक फॉलोड बाई HIT नेताजी MSIT नारूला ये जो कॉलेजेस का लिस्ट है 1x1 जरूर रखना चाहिए आपके लिस्ट में। ठीक है,
अब इसके कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट आप इसको रख सकते हो। 20 से लेके 40,000 तक जो लोग हैं उनके लिए नारुला, उसके नारुला के फॉरवर्ड बाय आप लोग रख सकते हो, एमसीकेबी के फॉरवर्ड बाय आप रख सकते हो, आरसीसी या एमसीकेबी भी आगे पीछे कर सकते हो, आरसीसी एमसीकेबी फ्यूचर जीएनआईटी इसको आप रख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके रख सकते हो। इसके बाद 40 से लेके 60,000 वाले बच्चों वो लोग रख सकते हो जीएनआईटी, एसएनयू, आसानसोल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हुगली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब आप लोग रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 60 से लेकर 70,000 वाले बच्चों उनके लिए आप रख सकते हो कि टेक्नो इंडिया बाटनगर, टेक्नो जो है उसके बाद बीबीआईटी बोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नो इंडिया बानीपुर, ये सब आप लोग आपके 60 to 70,000 वाले बच्चों सीएसआईटी के लिए रख सकते हो। ये जो कॉलेज का लिस्ट मैंने बोला रैंक अकॉर्डिंग, ये बेसिकली सीएसआईटी के लिए है, ठीक है। अगर आप इसमें कोर ब्रांचेस लाइक भैया मेरा रैंक तो 70,000 से ऊपर है, ठीक है, दो वाले, इसके बाद दो टाइप के बच्चे बच जाते हैं कि जिनका रैंक 70,000 से नीचे है बट कोर ब्रांचेस चाहते हैं, और जिसका रैंक 70,000 से ऊपर है। जिनका 70,000 से ऊपर है उनको नॉन कोर मिलने का चांसेस कम है और बहुत अधिक ठीक ठाक से कॉलेज में नहीं मिलेगा, ठीक है उनको, तो उनके लिए अलोंग विद जो लोग 70,000 से नीचे है बट कोर चाहते हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, आप लोग जो है ट्राई कर सकते हो टॉप कॉलेजेस पे, एचआईटी, हेरिटेज, अलोंग विद आप लोग बीपी पोद्दार, ये सब कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो। ये सब कॉलेजेस पे जो कोर ब्रांच है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, बिकॉज इसका कट ऑफ जो है 80-82,000 तक आराम से आ जाता है। तो आपको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, हेरिटेज, उसके बाद एचआईटी, उसके बाद बीपी पोद्दार, उसके बाद आप लोग नारुला, ये सब कॉलेजेस में रख सकते हो, बिकॉज 80,000 तक कट ऑफ ये सब कॉलेजेस का चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, मैं कैसे करना है ये भी आपको बोल दिया। और दूसरा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज को आप एज ए एग्जाम्पल रख सकते हो, देखिए डिटेल तो ये नहीं है, अगर आप लोग डिटेल चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जाके वहाँ पे आप लोग हमारे पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। अब फीस जो है 299 रुपीज़ है, बट मैं फीस को कंसिस्टेंट नहीं रख रहा हूँ, अभी जिन लोग का फिनेंशियल कंडीशन खराब है बहुत कम फीस में उनको ले रहा हूँ, तो अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है मुझे बोलो, मैं ज़रूर डिस्काउंट देकर आपको कम फीस में आपको ज़रूर ले लूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी, इसको लेकर चिंता मत करो, व्हाट्सअप कर सकते हो, फुल लिस्ट मैं क्रिएट करके दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। और अगर आप चाहते हो तो मैंने तो प्रोसेस आपको बोला कि कैसे करना है, आप खुद से भी फुल प्रोसेस को जो है फॉलो करके क्रिएट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, देखो क्या आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, बट मैं बोलूंगा कि आप लोग ऐसे क्रिएट करो। एंड आई फील आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अगर एस चॉइस प्लेइंग लिस्ट जैसे मैंने बोला इस पे क्रिएट करोगे तो जरूर आपको एक ठीक ठाक सा अच्छा कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक ऑब्वियसली मिलेगा। तो ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है, होम स्टेट, आउटसाइड स्टेट, सब लोगों के लिए, ठीक है। सो आप लोग ऐसे क्रिएट कर सकते तो अपने चॉइस प्लेइंग लिस्ट को, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज़ शेयर करने को बोल रहा है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग इस चीज को पर नॉलेज नहीं रखते। चॉइस प्लेइंग लिस्ट एक ऐसा चीज है, अगर चॉइस प्लेइंग में आप गलती करोगे, चॉइस प्लेइंग ये पूरा काउंसलिंग का मेन जान है, हार्ट है, हार्ट बोल सकते हो, अगर ये फेलियर कर गया तो पूरा बॉडी काम करना स्टॉप कर देगा। तो अगर चॉइस प्लेइंग लिस्ट आपने ठीक से नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको ठीक सा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका करियर बर्बाद भी हो सकता है। सो बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक से चॉइस प्लेइंग कीजिए। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो कस्टम एडुकेशन, मैं आपको हेल्प करूंगा, मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर नंबर है जाके। और बस यही तक वीडियो था, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक यू टू ऑल for today.